पहले तक इंद्र को सब पूजा करते थे, लेकिन अभी मैं स्वयं आ गया, लेकिन अभी ये नंद बाबा, मैया जसोदा, वृषभानु महाराज, कृतिका सुंदरी, श्रीमती राधा रानी, ललिता विशाखा, रूप मंजरी, रति मंजरी और जितने दाम वसुदाम, इंद्र इनको भी अपना प्रजा समझता है। देखो कितना अभिमान इसका इंद्र का, जो मैं स्वयं नंद बाबा का जहाँ स्वयं ज्योति धारण करता हूँ, जहाँ पर मैया जसोदा मेरे कान को ऐंठ देती है, जहाँ पर मैं स्वयं ब्रज गोपियों के पास में स्वयं ऋणी मान करके नपार है अहम निरबद्ध संजुजाम अजत किंकर इस बहु सा खलुका कमाई। जब राधा जी का तो बात छोड़ दो, राधा जी का सखियों का चरण में भी मैं गिड़गिड़ाता हूँ, लेकिन आज इंद्र का इतना अभिमान, इंद्र पद मैंने बामन अवतार में इंद्र को मैंने ये इंद्र पद दिया है। ये मेरा इंद्र तो मेरा एक विभूति मात्र इंद्र है, ये तो मेरा एक विभूति है, लेकिन अभी इंद्र का यह अभिमान हो गया, ये सारे ब्रजवासियों का मैं मालिक हूँ और ये सारे प्रजा है, इतना घमंड है, इसलिए इसका घमंड को उतारना पड़ेगा, इतना अभिमान को चूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण यह सोच करके उन्होंने कहा, ऐसे बात नहीं हो सकता है जो कि ये पूजा करेंगे इंद्र को, लेकिन ये जो गिरिराज गोवर्धन कौन है, ये मुख्य था कृष्ण चंद्र को ये गिरिराज गोवर्धन की श्रेष्ठत्व स्थापन करने के लिए। कल हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे गिरिराज का महिमा, इनका बहुत सारी स्वरूप है, एक स्वरूप में तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या किया राधा कृष्ण के, तब राधा कृष्ण जब संतुष्ट हो गए, बोले क्या चाहते हो, कहते प्रभु आपका चरण की हम सेवा चाहते हैं, कृपा करके आपको ऊपर में हमारा ऊपर में आप लीला कीजिए। इसलिए स्वयं शंकर जी नंदीश्वर रूप में वो स्वयं नंदीश्वर बन करके नंदगांव बन गए, स्वयं ब्रह्माचल बन करके स्वयं बरसाना बने, और ये गिरिराज कौन है, कहते ये स्वयं विष्णु है, ये विष्णु स्वयं गिरिराज रूप धारण करे, केवल एक स्वरूप विष्णु नहीं, ये और एक स्वरूप में स्वयं ये कृष्ण है। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को ये गिरिराज शिला देकर कहते क्या बोलते हैं, कहते गिरिराज है रघुनाथ, ये गिरिराज कृष्ण है, और गुंजामाला कहते ये स्वयं श्रीमती राधा रानी। इसलिए गिरिराज कौन हो गए, ये स्वयं कृष्ण चंद्र हुए, स्वयं कृष्ण चंद्र, और तीसरे स्वरूप में ये हरिदास वर्ज्य है। कल आप लोगों ने श्रवण कर रहे थे कितना श्रेष्ठ भक्त है, इतना नहीं ये हरिदासी भी है, महाराज ने बताए। इसलिए अभी कृष्ण चंद्र को ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा को स्थापन करनी है। ये गिरिराज है क्या चीज, देखो जिनको स्वयं मैं स्वयं पूजता हूँ, और ये गिरिराज क्या है, सर्व अभीष्ट प्रदाता, सारे इच्छा पूरी करने वाले ये गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए जिस समय कृष्ण सभी ब्रजवासियों को ऐसे उन्होंने चुक्ति तर्क और ऐसे बताए, सारे ब्रजवासियों का दिमाग घूम गया, और सारे को सारे ये गिरिराज गोवर्धन की उन लोगों ने पूजा की। स्वयं एक स्वरूप में कृष्ण स्वयं खड़े हुए, और दूसरे स्वरूप में कृष्ण स्वयं गिरिराज का स्वयं रूप धारण किए। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया लाला ये तो गिरिराज देखने में तेरे जैसे है, तू थोड़ा नाटा सा छोटा सा, और ये गिरिराज तो एक विशाल है, केवल इतना ही फर्क है, लेकिन तो देखने में तेरे जैसे, क्योंकि जिस समय कृष्ण उनको आचमन दे करके और उन्होंने इदम महाप्रसादम श्री गिरिराजाय नमः बोल करके जब गिरिराज महाराज को अर्पण किए, सभी ब्रजवासियों ने देखा विशाल स्वरूप गिरिराज धारण किया, विशाल रूप धारण करके, और जो कुछ यहाँ पर 365 गांव के भोग प्रसाद लाए थे, लड्डू कचड़ी पूरी और बातासा तरह तरह का, इतने में हमारे गिरिराज गोवर्धन हाथ पसार पसार करके जितने दिया था सब हाथ पसार पसार करके गिरिराज सब कुछ ग्रहण करने लगे, और मिनट में जितना दिया था सबके सब गिरिराज गोवर्धन ग्रहण कर लिया, और लास्ट में बोले आनोरे 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 और लाओ। ब्रजवासियों ने कहा, प्रभु आपको हम इतना ही से आप तृप्त रहिए। लास्ट में तुलसी दल जब प्रदान किया, भगवान गिरिराज गोवर्धन तुलसी दल को लेकर के तृप्त हो गए, इसलिए ये गांव का नाम पड़ गया आनोर ग्राम है, इसका नाम शंकर सुन कुंड है। जिस समय राधा कृष्ण हमारे आनंद वृंदावन चंपू में कभी कर्णपुर वर्णना किया, जिस समय राधा कुंड में राधा और कृष्ण गोपियों के साथ में होली खेल रहे थे, और होली खेलते खेलते वहां पर दो यहां पर मधुमंगल और ललिता में लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हुई, ललिता बोल रही है मेरे राधा रानी राग रागिणी में सर्वश्रेष्ठ है, मधुमंगल बोले राधा रानी क्या जानती है, हमारा कन्हैया राग रागिणी में श्रेष्ठ है,
यदि परीक्षा हो। इतने में श्याम सुंदर कृष्णचंद्र उन्होंने ऐसे राग गाए जिस राग को सुन करके कहते स्वयं थाबर जंगम द्रवीभूत होने लगे, वृक्ष से पेड़ पौधा से लता बताओ से मधु झरने लग गया। इतने में मधुमंगल तो ताली बजाने लग गया, मेरे कृष्ण चित गए। इतने में राधा रानी जब राग गाई, राग गाने पर कहते जो थाबर है जहां पर्वत था द्रवीभूत होकर पहाड़ी बन गया, और जहां पर समतल था वो वहां पर पर्वत बन गया। राधा रानी जब राग गाई, इतने में ललिता भी सका ताली बजाए। अभी दोनों में अभी ललिता बोल रहे मेरे राधा जी जीत गई और मधुमंगल बोल रहे कृष्ण जीत गए। ऐसे करते करते इतने में शंखचूड़ जत्ते वहीं पर आया, आ करके गोपियों को एक तरफ में भगाते हुए ले जा रहा था। लेने पर यहीं पर जब उनको खदड़ते हुए कृष्ण लाए बलदेव प्रभु का रख करके, यहीं पर श्री शंकर ये शंखचूड़ दत्त को एक तमाचा मारे, एक तमाचा से वाह जय सियाराम कर दिए, और उसको सिर पर जो समंत का मणि था वो मणि को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करके अभी जो महाराज बता रहे थे उन्होंने दिया बलदेव प्रभु, फिर बलदेव प्रभु ने फेर दिया हमारे कुंदलता को। ऐसे करते करते श्रीमती राधा रानी को पास में ये फिर समंत का मणि जाता है, और यही समंत का मणि राधा रानी जब कृष्ण विरह में यमुना में प्रवेश की। राधा कृष्ण नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, जो प्रेम की नदी है वो हर समय उल्टी बहती है। आप ब्रज में आकर के देखोगे संपूर्ण जो स्वयं रात पर तत्व है, जो ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, जो इत्यचांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठ। लेकिन वह परात्पर तत्व अनंत कोटि अखिल विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक जो स्वयं संपूर्ण है, आज हुए ब्रजवासियों को प्रेम में ऐसे बंध गए, ऐसे बंध गए अपना भगवता को छोड़ कर गए, संपूर्ण ब्रज प्रेम में यहाँ पर गोता लगा रहे। इसलिए ब्रज में जहां जहां पर आप लोग जाओगे, अभी रंगली गली से आए हो, कौन सा रंगली गली है जहां पर संपूर्ण श्रीमती राधा रानी, जहां गोपियां अपना प्रेम रूपी रंग में कृष्ण को रंगा दिया करती थी, अपना अनुराग रूपी रंग में, अपना भक्ति रूपी रंग में जहां पर संपूर्ण रंगा दिया है, वह रंगली गली है। और इसका नाम क्या है? गौहर बन है। गौहर बन मतलब क्या है? जहां पर अत्यंत अत्यंत प्रिया प्रियतम की अत्यंत गंभीर से गंभीर लीला हुआ करता था, जहां पर ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदारविंदम, जिनको जिन लीला में ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद आदियों को के लिए भी सुदुर्लभ, उनके लिए भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए वह ये गहर वन, और गहर वन का अंतर्गत इसका नाम क्या है? बरसाना। बरसाना मतलब क्या? जहां पर संपूर्ण राधा रानी प्रेम की, गोपी प्रेम की संपूर्ण जहां पर बारिश हुआ करती है, जहां पर जिस राधा प्रेम और गोपी प्रेम रूपी बारिश में संपूर्ण जहां पर कृष्ण जहां पर स्नान करते रहते हैं, जहां पर संपूर्ण वो गोता लगाते रहते हैं, जहां पर श्याम सुंदर, इसलिए उसका ये एक सांकरी खोर है। सांकरी खोर मतलब क्या है? सांकरी मतलब होता है संकीर्ण पतली, खोर मतलब होता है रास्ता। इसलिए प्रेम प्रेम की रास्ता अति सांकरी, जहां दो न समाए। इसलिए जो प्रेम की रास्ता है वो रास्ता बहुत संकीर्ण रास्ता, बहुत पतली रास्ता है। इसलिए यहाँ पर भी ऐसे रास्ता है जहां पर केवल एक को छोड़ करके जहां पर दो नहीं जा सकते। मतलब भगवान को प्राप्त करना तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण छोड़ करके मन मना भव मद भक्त भव माम याजी माम नमस्कुरु। जब तक हम लोग संपूर्ण उनको चरण में ये मन को एकदम मत मना नहीं कर देते हैं,
संपूर्ण उनके चरण में समर्पित नहीं हो जाते हैं, वह प्रेम के रास्ता में चलना कठिन। इसलिए देखो उधर का जो पर्वत का रंग है, राधा रानी जैसे गोरी है, ऐसे ही ये पर्वत का रंग गोरी है, और कृष्ण जैसे काले हैं, ये रंग का इधर का रंग भी वैसे काले हैं, और उसको बीच में जो रास्ता है ये शंकर, मतलब राधा कृष्ण का जो प्रेम की जो रास्ता है बहुत पतली रास्ता है, बहुत पतली रास्ता है, वहां पर दो नहीं समाए, केवल एक ही समा सकता है। इसलिए एक समय श्री श्याम सुंदर अपना सखाओं को साथ में यहीं पर गया चराने के लिए आए। कृष्ण के जब विशेष कोई लीला करना होता है, घर से कलवा नहीं लाते, सखाओं ने मधुमंगल ताम वसुताम श्री राम ने कहा कन्हैया आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ तो व्यवस्था कर दे, बड़े भूख लग रहे हैं, कुछ तो व्यवस्था कर। कन्हैया ने कहा भाई चिंता क्यों कर रहे, आ जाओ मेरे साथ में। कृष्ण आकर के यहीं पर खड़े हो गए और एक गोपी अपना सिर पर दूध दही मक्खन को भर करके अपना सिर गोबर में मट्टी में भर करके आ रही थी। इतने में श्याम सुंदर ने पहाड़ गोबर में चढ़ गए, चढ़ करके एक पत्थर उठा करके दे मार, मारते ही बांस मटकी फूट गई और वो गोपी दूध दही से स्नान कर ली। गोपी तो एक है, सखा तो बहुत है, चारी तरफ में दाम बसदा मधुमंगल उनको घेर लिया, घेर करके उनसे सब लूट पाट कर खा लिया। बेचारी बड़ी शर्मा गई, दुखी हो गई, जा करके उनको जो मंत्री है, जो प्रधानमंत्री श्रीमती राधा रानी, उनको पास में शिकायत की, कहा देखो मेरे नंद जू के लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला। कहा देखो राधा जी आज नंद जू के लाला अलबेला, कहते कैसे है, कहते अलबेला सा रूप है, अलबेला मतलब जिनके बराबर सुंदर जहाँ कहीं नहीं है। इसलिए हम लोग नबल कुंड भी गए थे और भूषणांग भूषणांग में जिनका रूप दर्शन करने के लिए कृष्ण भी अपना रूप देख करके पागल बन जाते हैं, राधा रानी जिसको रूप देख कर दीवानी बन जाती हैं, कहते क्या अल्पला सा रूप, क्या सुंदर रूप है वो श्याम सुंदर। कहते क्या क्या, मेरे मटकी में मार गए ढेला, मेरे मटकी में ढेला मार कर, मटकी क्या है, प्रेम रूपी मटकी है, मतलब हृदय में ढेला मतलब अपना आंखों की जो तिरछी नजर है, उनका जो यही नजर है, वो नजर की जो एक बाण मारे तो मेरे हृदय रूपी ढेला में ऐसे चुभ गया, वो तीर नहीं निकल रही, तात्पर्य यही है। इसलिए मेरे ढेला में आज मटकी मार पत्थर मारकर फोड़ दिया, दूध दही मक्खन को खा लिया। ललिता राधा ने विशाखा ने कहा किया हमारा सखी के ऊपर में ऐसे अत्याचार, ठीक है कल हम उनको दिखा देंगे, मजा चखा देंगे, देखो आज खाए ना उनको मुंह में जरूर उसका ललच लोभ लग गया होगा, फिर दोबारा कल आएंगे। एक काम करो तुम फिर कल ऐसे दूध दही मक्खन भर करके तुम जाओ, पहले से हम लोग जा करके यहाँ पर कुंज कुंज में हम लोग छुपे रहेंगे, अगर दोबारा ऐसे किया ना तुम अपना हुस्न मारना, फिर देखना हम क्या करते हैं, कैसे मजा दिखाते हैं। इसलिए फिर उनको मुंह में लग गया है मक्खन, वो तो मक्खन चोर ही है। इसलिए यहाँ पर श्याम सुंदर पुनः दूसरे दिन अपना सखा को ग्वाल बाल को लेकर के आए और यहाँ पर कुंज कुंज में नहीं कृष्ण गया चराने के लिए आए। पहले से सखियां ललिता विशाखा चंपक तो करोड़ गोपियां हैं, पहले से आकर के कुंज कुंज में पहले छुप गई और वो गोपी को बोले जाओ तुम दूध दही मक्खन लेकर जाओ, और उनको मुंह में लगा हुआ मक्खन है। जब दूसरे दिन फिर कृष्ण अपना ग्वाल बाल को साथ में आए, इतने में वो गोपी हुई मारी मारी तो जैसे पुलिस आते हैं, चारी तरफ से एकदम घेर गए उनके चारी तरफ में, लात करोड़ गोपियां चारी तरफ में घेर लिया, किसी सखा को चोटी को पेड़ में बांध दिया, किसको हाथ को बांध दिया, किसको गुलचा मारे। कृष्ण को तो सखाओं ने कहा देखो हमको कुछ पता नहीं, हमारा लीडर तो कृष्ण है, ये कृष्ण ने हमको जैसे बताया हमने किया क्या, कहते यही लीडर, कहते यही लीडर है। वास कृष्ण को यहीं पर पकड़े, कोई अपना चुनरी उतारी, किसने लहंगा, किसने अलंकार उतार करके श्याम सुंदर को पूरा यहीं पर उन्होंने गोपी बना दिया, और गोपी बना करके उनको सिर के ऊपर में तीन चार मटकी धरे और एक गोपी पहाड़ के ऊपर में उठ करके मारी ढेला, ढेला मारी तो बांस मटकी फूट गई। कृष्ण श्याम सुंदर दूध दही थे, दही में पूरा उन्होंने स्नान कर लिया,
कृष्ण को तो आंखों से आंसू निकल आया, कृष्ण रोने लग गए कि हे गोपियां ब्रज गोपियां मैं आईला में भविष्य में कभी मैंने ऐसे नहीं करूंगा, मेरे को छोड़ दो मैं कान पकड़ता हूँ। इसलिए यही पर गोपियों ने श्री श्याम सुंदर को वो परात पर परम ब्रह्म तत्व को यहीं पर अपना प्रेम रूपी दूध दही से प्रेम से यहीं पर उन्होंने स्नान करा दिया था। ये जो पर्वत है ये ब्रह्माचल पर्वत है, लेकिन यहाँ पर भगवान की रासलीला हुआ करती है। रासलीला होने पर उस उधर सिंहासन पर श्रीमती राधा रानी को बैठाते हैं और इधर जो मंदिर है यहाँ पर श्याम सुंदर को बैठाते हैं। और वो जो दान की जो लीलाएं हैं, दान के जितने हमारे चंद्र सखी इन लोगों ने जितना सब रास दान की जो लोग जिन जिन्हों ने सब भजन गाए सब यहीं पर बड़ी सुंदर यहाँ पर वो लीला अभी भी होता है। आज हम लोग ये सांकरी खोर में हम लोग आए, ये गहवर वन में आए, इसलिए यहाँ पर श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, ब्रज गोपियों से गुरु वर्गों से प्रार्थना करेंगे, वो लोग आशीर्वाद करें। जैसे ब्रज गोपियों ने अपना दूध दही प्रेम में श्याम सुंदर का स्नान करा दिया, उसी तरह कब हमारा ऐसे सौभाग्य आएगा जहाँ पर श्याम सुंदर भी अपना परम ब्रह्मता को भूल करके संपूर्ण ब्रज प्रेम में ब्रज गोपियों के प्रेम में जब संपूर्ण सरावर हो जाए। बोलो श्री साकरी खोर की जय।